हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा प्रयोग है छड़ चुंबक व लोह चूर्ण की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन करना। और इस प्रयोग के लिए हमें सामग्री चाहिए लोह चूर्ण, छड़ चुंबक, सफ़ेद कागज की शीट एवं कार्डबोर्ड। ये हमारी सामग्री है। और आज के इस प्रयोग में हमें करना क्या है, सबसे पहले कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर एक सफ़ेद कागज की शीट चिपकाइए, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। उसके ऊपर आप एक छड़ चुंबक रखिए, फिर इस छड़ चुंबक के चारों तरफ आप लोह चूर्ण को समान मात्रा में फैलाइए। जब आप लोह चूर्ण को इस छड़ चुंबक के चारों ओर समान मात्रा में फैलाएंगे तो कुछ इस तरह का फैलाव आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि छड़ चुंबक के चारों तरफ लोह चूर्ण को फैलाया गया है, और जब इसे समान मात्रा में फैलाया गया था उसके बाद इसने एक विशेष पैटर्न ले लिया है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ बंद वक्र जैसी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इधर भी और इधर भी। और अगर आप ध्रुवों पर देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुवों पर आपको लोह चूर्ण की सांद्रता बाकी जगह से ज़्यादा दिखाई देगी। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसके बाद उसका प्रेक्षण और निष्कर्ष निकालना होता है। तो हमारा जो प्रेक्षण है वो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें कि कुछ विशेष पैटर्न में ये लोह चूर्ण फैल चुका है, और लोह चूर्ण की सांद्रता ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व को महसूस किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व भी इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है। किसी छड़ चुंबक की शक्ति, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लोह चूर्ण ध्रुवों पर ज़्यादा सांद्रित हैं, तो किसी भी छड़ चुंबक की शक्ति उसके ध्रुवों पर अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र पथ बनाती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कि इनका प्रतिच्छेदन नहीं होता। अगर हम इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को डायग्रामेटिक देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सांद्रता या चुंबकीय क्षेत्र की सांद्रता ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आज का हमारा प्रयोग था, जिसमें हमने छड़ चुंबक व लोह चूर्ण की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।